सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारी ऑडियंस, हमारे प्यारे व्यूवर्स बिना गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए उसके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि जब वो खरीदने लगे तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो डिसीजन लेने में। तो आज उसी तरीके से ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं सामने खड़ी Hyundai Venue का। ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, दोस्त को मैं बुलाना चाहूंगा वीडियो में। तो हर्षित मक्कड़ भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू थैंक यू। तो हर्षित भाई मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, यानी कि बचपन का ही दोस्त है। बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में ही पढ़े, साथ में ही खेले, अब अलग अलग फील्ड्स में है। हाँ। तो हर्षित भाई, सबसे पहले तो मेरे व्यूवर से दोस्ती कर लो, उन्हें बताओ आप क्या करते हो, क्या। बिल्कुल जी, राम राम जी। मेरा नाम हर्षित मक्कड़ है और मैं एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हूँ। तो हर्षित भाई, जब बंदे को कॉम्पैक्ट एसयूवी लेनी होती है ना, गिने चुने चार पांच ऑप्शन सामने जरूर आते हैं। एक्सयूवी 300 आ गई जी, टाटा नेक्सोन आ गई, किया सोनेट आ गई, उसके अलावा मारुति सुजुकी ब्रीजा भी आ गई, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो जाते हैं थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे करने पे। तो उस बीच Hyundai Venue कैसे उठा लाया मेरा भाई, पहले तो मुझे यही जानना है। चलो देखो, पहला रीजन तो इस गाड़ी को लेने का ये है कि भाई इस गाड़ी की लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है। जितनी भी गाड़ियों से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे इसकी लुक बहुत अट्रैक्टिव लगी। दूसरा, मेरे पास स्पेस का इशू है दिल्ली में भी और यहाँ पानीपत में भी, आपको पता है। हाँ। तो वो गली में जाने के लिए जितनी चौड़ी मैं गाड़ी ले सकता था वो यही थी। ठीक है, ये रीजन था मेरा गाड़ी। मतलब गाड़ी अब पसंद से ही है कि मजबूरी से? दोनों चीजें, पसंद भी थी और कुछ कहीं ना कहीं मैंने कॉम्प्रोमाइज भी किया, दो तीन गाड़ियों भी किया। तो ये कौन सा वेरिएंट है? हाँ जी। और कितने का आपको ऑन रोड पड़ा मुझे ये बता दो। तो ये बीच वाला है SX। SX ये लगभग ऑन रोड मेरे को पड़ गया, वैसे तो ये 14-30-40 का उन्होंने बोला था, थोड़ा बहुत जैक वैक लगाया कुछ करा, तो ये अराउंड 1360 की पड़ गया। मतलब 13,60,000 रुपए में गाड़ी पड़ गई। हाँ जी। अब डीजल सुन के पेट्रोल वाले भाई मत भाग जाना, इंजन को छोड़ के गाड़ी में बाकी सब सेम है, तो रिव्यू कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप किसी और को गाड़ी दिलवाना चाहते हो, किसी और को सलाह देना चाहते हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर बात करें भाई, इंजन ले लिया डीजल, ठीक है, इसमें 1.5 लीटर का डीजल आता है। हाँ जी। जो मैक्सिमम पावर 113 BHP और मैक्सिमम टोक लगभग 250 Nm की निकालता है। ये लगा लो कि क्रेटा का इंजन है। हाँ, सेम क्रेटा वाला इंजन है। क्रेटा में भी यही इंजन है, कहीं ना कहीं सेल्टोस डीजल में भी यही इंजन है। अच्छा, ठीक है। ये वाला इंजन बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है, लेकिन भाई से पूछते हैं कि कितना तगड़ा परफॉर्म करता है। मैं एक ट्रिप लगा के आया बाहर मसूरी का। हाँ। तो उसमें हम चार लोग थे गाड़ी में, तो उसके बाद भी मतलब लगभग हमने इसको 145 तक, लाइक 145 तक हम इसको लेके गए। ठीक है, उसके बाद भी ये स्टेबल थी, नो डाउट, बट अंदर एक होता ना कि नहीं यार नई गाड़ी है। हाँ। थोड़ा तमीज से चला लो अभी इसको, कुछ ये नहीं कि स्टेयरिंग का बैलेंस थोड़ा सा टाइट मतलब हिल गया हो, ऐसा कुछ। स्टेयरिंग बहुत टाइट हो गया था उस टाइम। ठीक है, अपने आप ही की गाड़ी मूव ना करे इधर उधर। ठीक है, बस ये था हाँ, कि इन बिटवीन चलाते चलाते थोड़ा हमारे फोन वोन थोड़े से हिलने लग गए थे। अच्छा, फोन वोन हिलने लगे, मतलब वाइब्रेशन वाइब्रेशन थोड़ी है। अब यार डीजल गाड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, पेट्रोल से तो बहुत कम रिफाइनमेंट मिलेगी। हाँ जी। अब रिफाइनमेंट जैसी भी मिल रही हो, हाँ जी, तो क्या वो कैबिन के अंदर आपको वो वाइब्रेशन, वो टर्र, वो डिस्टर्ब करती है डीजल वाली? के इम्प्रूव्ड है कैबिन क्वालिटी बहुत ज्यादा? जी देखो, इससे पहले मेरे पास सिर्फ डीजल हुआ करती थी, मतलब डिजायर से भी पहले, तो जितनी उसमें वाइब्रेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कम है। ठीक है, मतलब इतना कोई वाइब्रेशन नहीं है कि अंदर इंजन की साउंड ज्यादा जाए, बट बाहर की साउंड है। अच्छा, बाहर खड़े हैं तो कैब अच्छी खासी डीजल इंजन की आवाज आती है। हाँ। अंदर बैठे हैं तो कैबिन कहीं ना कहीं उसको कवर कर चुका है। हाँ, अब इस बात से मेरे को एक और बात याद आई आपकी, इसके अंदर जो बोनट उठा के कुछ कवर होता है, एक शील्ड, वो इतने पैसे में मुझे लगता है कि लगाना चाहिए था। अच्छा, लगा नहीं हुआ, वो नहीं लगा रखा, तो उससे थोड़ी बहुत साउंड है। अगर वो होता तो जो साउंड थोड़ी बहुत है वो भी ना आती। ठीक ठीक ठीक, ये एक मुझे दिक्कत लगी। चलो, ये तो बात हो गई इंजन परफॉर्मेंस की। अब भाई, डीजल लिया है, माइलेज के चक्कर में लिया होगा? बिल्कुल जी, है ना, सबसे पहला रीजन डीजल का माइलेज। भाई ना बड़े प्यार से गाड़ी चलाता है, तरीका है भाई को गाड़ी चलाने का, तो क्या माइलेज निकाल लेते हो इससे? मैं लगभग देखो, जो हाईवे पे चलाता हूँ मेरा फिक्स है, इसमें जैसे क्रूज कंट्रोल है तो मैं 85 पे उसको स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, 85 पे गाड़ी चलती रहती है, उसकी एवरेज लगभग अराउंड 27.8-27.9 की एवरेज चली जाती है हाईवे पे। ये लोग मारने लग जाएंगे मुझको जब मैं कहूंगा ये 27 की एवरेज दे रही है। नहीं भाई, नहीं, देखो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा, ये गाड़ी की परफॉर्मेंस मैं खुद चेक कर चुका हूँ, मेरा भाई भी चला चुका है, तो जो हाईवे पे इसकी माइलेज आ रही है वो जो हमें शो करती है, और कहते हैं वो एक्यूरेट भी होती है। हाँ। 27.8, 27.9, 28 भी टच कर रही है 85 पे क्रूज करने पे। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर 100 की चलाते हो तो 23-24 की माइलेज। हाँ, दे देगी 100 पे 23 की लगा के चलो। हाँ। और लोकल में ये डीजल इंजन क्या माइलेज? लोकल डीजल इंजन जी 20 फिक्स है। 20 फिक्स है।
जो दिल्ली में चलाता हूँ, जिसमें कि आपकी रेड लाइट्स भी आ गई, बार बार ब्रेकिंग सिस्टम भी आ गया, बार बार ब्रेक लग रही है, चल रही है, उसमें अगर बहुत ही ज्यादा रश है, लेकिन जैसे कि दिल्ली में रहता है कि बंपर टू बंपर ट्रैफिक, बंपर टू बंपर वो है, तो 18.5 भाई ये लड़का बहुत गाड़ी चलाता है, कहीं कहीं किलोमीटर का ट्रिप मारता है, तो इसने बंदे ने एवरेज ओवरेज पूरी माप के रखता है, अपनी डिजायर से भी ये भाई अच्छी खासी पेट्रोल डिजायर से भी अच्छी खासी माइलेज निकाल लेता है। बिल्कुल जी। तो अब हर्षित भाई इधर आओ और मुझे एक बात बताओ। हाँ जी। कि इस वेरिएंट को लेने का ये चक्कर था इस एक्स को। हाँ जी। कि आपको सारे फीचर मिल गए। हाँ जी। ठीक है, सारे फीचर भाई, जैसे कि अलॉय व्हील्स मिल गए, सनरूफ भी मिल गया, प्रोजेक्टर हेडलाइट भी मिल गई, उसके अलावा वायरलेस चार्जिंग भी मिल गई, इंफोटेनमेंट भी मिल गया, बैक कैमरा भी मिल गया, मतलब आप फीचर का नाम लो और भाई को वो मिल गया, लेकिन स्टार्ट मिल गया, पुश बटन स्टार्ट मिल गया, लेकिन फिर भी कुछ तो नहीं मिला होगा, कुछ ऐसा तो होगा कि सोचते होगे कि भाई इतने लाख भर के मुझे ये नहीं मिला, तो बता दो क्या। वो तो देखो, इतने लाख मेरे लग गए, आज तक इतनी गाड़ी पे कभी मैंने लगाए नहीं थे, बट इतने लग गए तो मुझे एक दो एक्सपेक्टेशन और थी कि गाड़ी की जो सीट थी वो वेंटिलेटेड हो सकती थी। अच्छा, इतने पैसे में आ सकता था। हाँ भाई, 14 लाख रुपए। हाँ, 14 लाख रुपए लगा दिए तो भाई एक सीट वेंटिलेशन ये दे सकते थे। अब बात करते हैं सस्पेंशन की, टायर्स की एंड ब्रेकिंग की। सबसे पहले भाई सस्पेंशन का बताओ, सॉफ्ट लगा, स्टिफ लगा, बॉडी रोल आता है नहीं आता, सस्पेंशन ऑल ओवर कैसा लगा गाड़ी? कंपनी ने कहकर तो ये दिया था कि बहुत स्टेबल रहेगी, बहुत सॉफ्ट चलेगी, बहुत ही स्मूथ कार होगी, इवन की ब्रेकर्स पे भी थोड़ा झटका नहीं महसूस होगा। बट अगर ब्रेकर पे आप लाइक मोर देन 40 की स्पीड पे हो तो ये आवाज कर देती है, अगर उठा आगे से तो वो ठीक है, हिलता ऐसे, जर्क आता है उसमें पूरा, आवाज महसूस होती है आपको कि भाई सस्पेंशन की ठक ऐसे ठक बजती है पूरी तेज। हाँ, मतलब वो चीज तो लगभग मारुति वाली ही दे दी उन्होंने। मतलब सस्पेंशन से आप ठीक था, एवरेजली सेटिस्फाई हो या नहीं हो? मतलब एवरेज ही हूँ, क्योंकि मारुति चलाता था और इसमें मुझे उस चीज में फर्क नहीं लगा। हाँ, और मुझे याद है हर्षित भाई ने वो मारुति छोड़ी इसलिए थी सस्पेंशन से, सस्पेंशन के लिए। हाँ, मैं आपको बोलता था कि उसमें आवाज बहुत आती है, उसमें वो बुश की कोई, मतलब जिस चीज से इंसान भाग रहा था वो चीज पीछा नहीं छोड़ा, पीछा नहीं छोड़ा। बट ठीक है, आप कोशिश यही कर रहे हैं। बॉडी रोल नहीं है। और भाई इसमें मिले आपको 16 इंच के अलॉय व्हील, अच्छी खासी टायर प्रोफाइल के साथ मिल रहे हैं। बिल्कुल, इससे सेटिस्फाई हो? सेटिस्फाई देखो वैसे तो हूँ कि बहुत चौड़ा है, कोई मान लो जैसे गलियों में हमारी ड्रेन आती है उसके ऊपर से निकल जाता है, मतलब गिरने का चांस नहीं है कुछ, बहुत स्टेबल भी है। बट ये जो एलोए है ना, एलोए में मेरे को एक कंप्लेंट है। अच्छा, कंप्लेंट? हाँ, कंप्लेंट एक तरीके की है कि यार जब डायमंड कट देना ही था, पैसे लगाने ही थे, तो क्रेटा वाला भी दे सकते थे। हाँ, और घर के घर में थे वो, घर के घर में थे, इनको इनको लगाने में जाता क्या? तो जो लुक है तो ओवरऑल जो अलॉय व्हील्स की वो मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ा और अच्छा डायमंड कट दे सकते थे, क्योंकि ना एक ये व्हील कवर देते हैं। अच्छा, व्हील कवर भी ऐसा ही दे देते हैं बस। हाँ, देखो लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बंदा व्हील कवर लगा ले तो भी काम चलता, तब भी काम चल जाता। अगर ब्रेकिंग की बात करें भाई, एबीएस, ईबीडी, एसपी, हिल होल्ड बहुत कुछ मिलता है। हाँ जी, तो ब्रेकिंग से सेटिस्फाई हो? जहाँ सोचते हो, जिस रेंज में सोचते हो, साथ दे देती है? हाँ, जितना सोचा था अच्छा है उसके हिसाब से, एबीएस ईबीडी पूरा वर्क कर रहा है। जितनी मतलब की स्पीड में 80-90 की स्पीड में भी एकदम से ब्रेक पे होल्ड हो तो आराम से हो जाता है, हो जाता और है। हिल असिस्ट की बात रही, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मसूरी का चक्कर लगा के आऊँ, तो उसमें भी हिल असिस्ट इसमें सच में है। अच्छा, अच्छा है। हाँ, मतलब अगर आप जैसे स्लोप पे आप गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हो, इन केस इमरजेंसी जैसे आपकी ब्रेक छूट गई और हैंड ब्रेक भी नहीं लगाई, तो वो अपने आप आपको 3-4 सेकंड के लिए होल्ड कर देती है वो गाड़ी। हाँ, तो ये है, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे लगा जेन्युइन है और मेरा काम भी आया। देखो, हमारे चैनल की एक खास बात है कि हम बायस रिव्यू नहीं करते, एक तरफा रिव्यू नहीं करते। बिल्कुल जी। मेरे जितने भी दोस्त भाई हैं मेरे कहने पे सच्चाई की बात करते हैं। हाँ जी। वो ये नहीं सोचते कि हमने नई नई गाड़ी ली तो तारीफ करें, नई गाड़ी की तारीफ करें, बुराई ना करें। भाई मेरे सच्चे हैं, जो उनसे पूछा जाता है मेरी इज्जत रखते हुए सारा कुछ बता देते हैं। बिल्कुल सही बताते हैं, जो तारीफ के काबिल होगी वो तारीफ के काबिल चीजें बताई जाएगी, और जो सही नहीं लगी उसको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। बिल्कुल। तो इन रियर लुक्स के बारे में हर्षित जी आपका क्या कहना है? रियर लुक ही तो मेरे को पहले रीजन यही था कि अट्रैक्टिव लगी, और दूसरा लुक तो ये बेस मॉडल में भी आ जाती है। हाँ। बट ये कनेक्टिंग लाइट नहीं देते, वो जलती नहीं है, वो जलती बस नहीं है। अब एक रीजन ये भी था मेरा एसएक्स लेने का। हाँ। कि ये जलती हुई लाइट मिले मुझे, काले रंग में ना ये बहुत अच्छी लगती है। अरे भैया, रात को चलते हुए ये सबकी आंख एक तरफ कर देती है यार। सही कह रहे हो। मतलब मैं रियर लुक्स के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जितना सेक्सी हर्षित उतनी सेक्सी उसकी गाड़ी की रियर लुक्स। बिल्कुल ठीक कह रहा मेरा भाई। स्टीयरिंग की बात करते हैं हर्षित भाई। हाँ भाई, ये जो स्टीयरिंग आपको मिल रहा है, इसकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस, स्मूथनेस वो कैसी लगी आपको? बिल्कुल ठीक है, अभी तो नई नई गाड़ी है, अभी तो अलाइनमेंट वगैरह वैसे बिल्कुल ठीक है, तो स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, स्मूथ है, इलेक्ट्रिक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, एक उंगली से चल जाता है। हाँ, एक उंगली से चल जाता है, तो बट थोड़ा सा साउंड आती है, जैसे कभी कभार आपको पता चलेगा, आप कभी मोड़ोगे ना, टर्न करोगे, तो आपको वो इलेक्ट्रिक की एक साउंड सुनाई देगी,
करके मोटर टाइप, जैसे कोई मोटर या मशीन चले, बिल्कुल सही, ठीक है। और उसके जो स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं ये भी बहुत स्मूथ है। हाँ, भाई सारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल रहे हैं आपको, क्रूज कंट्रोल से लेके इंफोटेनमेंट संभालना, वॉइस असिस्टेंट, सब कुछ गाड़ी में आपको इस वेरियंट में मिल रहा है, ठीक है, बिल्कुल जी। और अगर बात करें, कहते हैं कि वेन्यू का कैबिन ना काफी लेस स्पेशियस है, हाँ। जो कि कहीं ना कहीं जैसे हम लंबे ठाटे गांव के आदमी, हमें फील भी हो रहा है कि ये लेस स्पेशियस है, लेकिन ऑल ओवर कंफर्ट की बात बताओ, आपकी कंफर्ट कैसा है? कंफर्ट बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी लॉन्ग ट्रिप पे गए हैं तो हम 5 लोग आराम से बैठ के गए, ठीक है। वो बात अलग है कि 5 एक जैसे नहीं थे, 4 जने हट्टे कट्टे थे और एक जना जो था वो थोड़ा पतला था। अगर ऐसे हैं तो बिल्कुल आराम से जा सकते हो, अगर 5 लोग थोड़े अच्छे वेट के हैं तो वो मुश्किल है इस गाड़ी में। मतलब कह सकते हैं कि कंफर्ट अच्छा है लेकिन स्पेस कम है। हाँ, स्पेस कम है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। हर्षित भाई 6 फुट प्लस का है, हाँ। तो उस हिसाब से भाई का हेडरूम आप चेक कर सकते हो, हाँ। कि हर्षित भाई को अच्छा खासा हेडरूम, नहीं अच्छा खासा, ये देखो आपके आगे देखो पूरा स्पेस है, कोई ऐसा नहीं कि मुझे टकरा रहा हो यहाँ पे, ऐसा कुछ। महिंद्रा की एक्सयूवी 300 में ये था हेडरूम कम, हाँ, है, हेडरूम कम है, भी कम है, दिखने में अच्छी लगती है, चौड़ी है, ऊंची है, बट अगर बैठोगे उसका थोड़ा वो ग्राउंड क्लीयरेंस भी कम है, ग्राउंड क्लीयरेंस, हाँ, भी कम है, तो इसका ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है आप, मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप एसयूवी गाड़ी नहीं चला रहे, नहीं चला रहे, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि क्रेटा टाइप कुछ चला रहे हो आप। और अगर बात करें इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की, इससे सेटिस्फाई हो? हाँ ठीक है, थोड़ा सा छोटा है, छोटा स्क्रीन थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, छोटी है, हाँ। और ये ऑटोमेटिक एसी, ये बिल्कुल अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी है, खैर इसका रिव्यू, हाँ। लेना ही गलत होगा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं इस समय तो, हाँ। मैं आपको रियर कैमरा दिखा दूं, हर्षित भाई रियर कैमरा से सेटिस्फाई नहीं है, जो उन्होंने मुझे बताया था। हर्षित भाई ने ये कहा था कि दिन में ये कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी देता है, लेकिन रात में कहीं ना कहीं उनको मेजर डिससेटिस्फेक्शन है इससे। हाँ, अभी जैसे दिन में हम अभी इस टाइम थोड़ा दिन का टाइम है, 4-5 बज रहे हैं दोपहर के, तो ये ठीक चल रहा है अभी, अच्छा दिख रहा है आप लोगों को भी, व्यूअर्स आपको भी अच्छा दिखेगा, बट रात की अगर बात करोगे तो रात को ये ब्लर हो जाता है, और ऐसे ब्लर हो जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। सेफ्टी को लेके 14 लाख रुपया लगा के, हाँ, क्या सोचा था? नहीं बिल्कुल, मैं बताता हूँ, देखो सेफ्टी के पर्पज से, पहली बात तो जब हम लेने गए तो उन्होंने जो सेल्स पर्सन होता है उन्होंने बताया कि एनकैप रेटिंग अभी हो ही ना हो, बट ये 4-स्टार Hyundai अपनी तरफ से दे चुकी है इस गाड़ी को, क्योंकि अब एक तो Hyundai ने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं, ठीक है, तो 2 तो आपकी सीट्स में होंगे, 2 इन दोनों सीट्स में होंगे और 2 आगे होंगे और 2 पिलर्स में होंगे, ओके, तो ये है। अब जो है सेफ्टी कंसर्न अंदर से, तो मुझे तो लगता है सेफ है, बट बाहर से जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं अगर ऐसे टैप करता हूँ तो मुझे साउंड महसूस होती है, होती जो कि मारुति में आती थी, बट अगर आप जाते हो Volkswagen की तरफ या फिर स्कोडा की तरफ, उनमें वो साउंड नहीं आती वहाँ पे, नहीं। हाँ, दूसरी बात, आगे से सेफ्टी मुझे अच्छी लगती है क्योंकि बोनट बहुत हैवी है, अगर आप लिफ्ट करते हो तो बोनट बहुत हैवी है इसका, बाकी ओवरऑल ठीक है। तो इतनी सारी अच्छाई और बीच बीच में गाड़ी की बुराई करने के बाद, अब हर्षित भाई से एक फाइनल बात पूछ लेते हैं कि प्यारे हर्षित भाई, गाड़ी को लेकर खुश हो या दुखी, सजा मिल रही है या मजा आ रहा है, हमें और हमारे व्यूवर्स को क्या सलाह दोगे, हम वेन्यू ले या ना ले, तो एक कंक्लूजन दे दो कट शॉर्ट। नहीं बिल्कुल जेन्युइन कंक्लूजन देंगे आपको, अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में सजा हो रही है, सजा गाड़ी में मजा बहुत आ रहा है, मजा हो, ठीक है। दूसरा, एक तो मैंने आपको जो अच्छाई से स्टार्ट करते हैं हम पहले, कि गाड़ी में अच्छाई क्या, सबसे पहला रीजन मेरा था गाड़ी लेने का माइलेज, माइलेज बहुत बढ़िया है, ठीक है। सीट्स थोड़ी सी छोटी हैं बट कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। और अब बुराई पे आ जाते हैं एक बार, तो बुराई जो है वो पहला तो एक रेयर व्यू जो इसका मिरर है, ओ सॉरी कैमरा है, तो रेयर कैमरा जो है वो सही नहीं लगा मुझे, कहीं ना कहीं मुझे वो लैग करता हुआ दिख रहा है, ब्लर हो जाता है, और दिन में साथ देता है रात को रुलाता है, हाँ दिन में आईफोन रात को MI सही बात है। और ये आगे इंजन के ऊपर जो कवर होना चाहिए वो अपना इंसुलेशन वो नहीं है, इतने पैसे में वो देना चाहिए था। और एक और अच्छा याद आ गई मुझे अब, की गाड़ी की लुक्स बहुत अट्रैक्टिव है, लेना चाहे तो जी भर के लीजिए गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, इसमें मेरा ये एड ऑन है कि Hyundai बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, बहुत अच्छे फीचर्स डालती है। मुझे जो Hyundai में आजकल कमी लगती है वो ये लगती है कि इसी बजट में बाकी की गाड़ियां फीचर्स प्लस सेफ्टी दोनों दे रही है, Hyundai कहीं ना कहीं सेफ्टी पे बहुत कम ध्यान दे रही है, मारुति वाले रस्ते पे है, अदरवाइज फीचर्स तो भर भर के मिल रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं गाड़ियां पसंद भी बहुत है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, एंड तक पहुंच गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनको वीडियो अच्छी लगी तभी एंड तक आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हर्षित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने पूरा साथ दिया, मतलब नई शादी होती है ना आदमी की तो आदमी को सिर्फ वो अच्छी लगती है, आदमी कलेश नहीं बताता, भाई ने सब कुछ बता दिया। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप में से भी कोई चाहता है अपना ओनरशिप रिव्यू हमारे साथ शेयर करना, शूट करना, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट है, वहां हमें रीच कर लेना, हम आपके साथ शूट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्या पता वो अगली वीडियो आपके साथ ही हो।